अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CSS PMS टाइम्स ऑनलाइन कोचिंग। 2023 करंट अफेयर्स सीरीज़ का हमारा 6th टॉपिक है। November 15, 2022 विल बी ए हिस्टोरिक डेट इन ह्यूमैनिटीज़ हिस्ट्री। क्यों ये हिस्ट्री में ह्यूमैनिटी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बड़ा दिन है? बिकॉज एट दिस डेट द अर्थ्स पॉपुलेशन रीच द 8 बिलियन मार्क। 8 बिलियन के मार्क में पॉपुलेशन जो है वो रीच कर गई थी 8 बिलियन तक। क्रिटिकली डिस्कस दैट द 21st सेंचुरी इज़ अ सेंचुरी ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। 21st सेंचुरी जो है वो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों है? विच हैज़ अ डिवास्टेटिंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। वर्ल्ड पे ये डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट कैसे होगी? एक्सप्लेन द सेवियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ये इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारे इस की पॉइंट, जैसे मैं बताती हूँ कि की पॉइंट होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ विच विल अफेक्ट एवरी कंट्री ऑन अर्थ। वो कैसे कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से होंगे, जैसे हम चलते हैं हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट की पॉइंट जो है वो डिस्कस करना है कि 21st सेंचुरी में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे वर्ल्ड पे जा रहा है। और सेकंड की पॉइंट जो है द सेवियर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं रैपिड पॉपुलेशन के, क्या इफेक्ट करते हैं दूसरी सारी कंट्रीज़ को। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। द 21st सेंचुरी हैज़ इंडीड सीन अ रैपिड ग्रोथ the world's population will with the earth's population reaching 8 billion in November 2022 को, जैसे मैंने बताया कि population पहुंच गई थी 8 billion को। this population growth has a significant impact on the world। कैसे significant impact होगा world पे? And has resulted in a range of consequences that will affect every country on earth। वो कैसे होगा अब हम आगे डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सेवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रैपिड पॉपुलेशन इज़ द स्ट्रेन इन इट प्लेसेस ऑन नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जैसे फूड, वाटर, एनर्जी है, उस पर हमारा बहुत ज़्यादा मतलब कि नहीं हो पाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी, क्योंकि पीपल्स को जीने के लिए फूड की, एनर्जी की, वाटर की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी तो ये चीज़ें भी कम होती जाएंगी। एज द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कंटिन्यूज़ टू ग्रोथ एज द डिमांड फॉर दीज रिसोर्सेज इंक्रीजेज, इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ जाएगा, लीडिंग टू ओवर कंजप्शन एंड डिप्लेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो ये जो भी डिप्लेशन होती जाएगी इन रिसोर्सेज की, दिस हैज़ ऑलरेडी लेड टू वाइड स्प्रेड फूड एंड वाटर शॉर्टेज हो जाएगी, और फूड शॉर्टेज हो जाएगी, एक्सपेक्टेड बिकम इवन मोर क्रिटिकल इन दी कमिंग ईयर्स। जो कंडीशन है वो कमिंग ईयर्स में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जाएगी। अनदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इज द इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन दी इन्वायरमेंट। जैसे इन्वायरमेंट है वो भी रैपिड पॉपुलेशन की वजह से ख़राब होता जाएगा। The increase in the number of peoples on the planet has led to an increase in greenhouse gas emission. Greenhouse gas emission इसकी वजह से बढ़ेगी, which contribute to global warming and climate change. Climate change और global warming की जो main cause है, जो contribute करती है, वो greenhouse effect है। This is already led to rising sea levels more frequently, मतलब कि sea level को ये rise करेगी जैसे जैसे, फिर वो natural disasters जैसे earthquake, water floods ये बढ़ते जाएंगे, loss of biodiversity हो जाएगी। अब next हम point to point चलते हैं। rapid population growth also has a significant social and economic consequences। जैसे हमें ऊपर क्वेश्चन था हमारा, की पॉइंट्स जैसे मैंने अलग अलग की, तो इसमें ये हमारी सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, वो कैसे होंगे? द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल हैज़ पुट प्रेशर ऑन हेल्थ केयर। जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल्स के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जाएगी, तो हेल्थ केयर के प्रॉब्लम्स, हेल्थ केयर सिस्टम के, हाउसिंग के, एम्प्लॉयमेंट, लीडिंग टू इंक्रीज पॉवर्टी बढ़ जाएगी, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, और सोशल अनरेस्ट भी बढ़ जाएगा। दिस हैज़ ऑलरेडी लेड टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो वैसे भी है, वो तो और भी बढ़ जाएगी। इन मैनी कंट्रीज इज एक्सपेक्टेड
to become even more critical in the coming years. बहुत ज़्यादा critical condition हो जाएगी coming years में. In addition, इसमें add करते हैं rapid population growth also has implications for national security. National security भी इससे बढ़ सकती है. वो कैसे? As the demand for resources increases, competition अब जैसे ही resources increase होंगे, demands बढ़ेंगी, तो competition भी इससे बढ़ता जाएगा. इज़ लाइकली कैसे? टू इंक्रीज, लीडिंग टू ग्रेट टेंशंस एंड द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते जाएंगे उसमें और टेंशंस भी बढ़ती जाएंगी कि कौन लीड करेगा, ग्रेटर कौन होगा. दिस इज स्पेशल ट्रू इन रीजन्स विद स्कार्स रिसोर्सेज सच एज वाटर एंड ऑयल. तो स्पेशली इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा जैसे वाटर और ऑयल है. एट दी एंड कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन, द 21st सेंचुरी इज़ इंडीड अ सेंचुरी ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. 21st सेंचुरी जो है वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन ग्रोथ का वो जैसे निशानी है या बताई जैसे कहा जाए. विच हैज़ हैड अ डिवास्टेटिंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड. नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड पे क्योंकि उसमें रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ जाएंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जाएगी. आर फॉर रीचिंग एंड विल इफेक्ट एवरी कंट्री ऑन अर्थ. हर कंट्री को वो इफेक्ट करेगी क्योंकि रिसोर्सेज वो आपस में बांटते हैं. अगर बचेंगे ही नहीं तो वो बांटेंगे कैसे? इंक्लूडिंग रिसोर्सेज डिप्लेशन बढ़ती जाएगी, रिसोर्सेज की डिप्लेशन होती जाएगी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगी, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. और इट एसेंशियल्स दैट कंट्री कैन measures to address these consequences to promote sustainable. अब countries को आपस खुद की मदद, आप अपनी आप मदद के तहत अपनी जो भी consequences या चीज़ें होंगी वो अपनी develop करनी चाहिए, करें in order to ensure the survival of the planet. Planet के survival के लिए अपनी मदद आपके तहत सब काम करें. That's all. अगर आप कोई भी question है तो आप comment box में पढ़ कर सकते हैं. Thank you.